नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर परफ्यूम यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर सिद्धार्थ और गाइस आज का जो लिस्ट है बहुत ही खास होने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बारिश का मौसम चालू हो गया है और काफ़ी बढ़िया एक मौसम है। गीले घास की खुशबुएं हमको सूंघने मिल जा रही है, स्मेल करने मिल जा रही है और गीले मिट्टी की भी हमको खुशबू मिल जा रही है। तो आज का जो लिस्ट होने वाला है ये टॉप 5 मानसून परफ्यूम्स का लिस्ट होने वाला है। ये जो पाँचों ही परफ्यूम है इनमें से कोई भी एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बजट में है और बढ़िया फ्रेग्रेंस है, लास्टिंग भी हमको अच्छी मिल जाती है। इनके जो नेचर ऑफ फ्रेग्रेंस है वो सेंसुअल टाइप के है और वुडी एरोमेटिक बोल सकते हैं इनको, स्पाइसी फ्रेग्रेंस बोल सकते हैं, लास्टिंग इनसे काफ़ी बढ़िया हमको मिल जाती है। शुरू करते हैं ये लिस्ट। तो गाइस नंबर 5 पे मैंने रखा है बियर्डो की तरफ से बियर्डो का गॉडफादर। गाइस बियर्डो गॉडफादर जो है एक बहुत ही नोन फ्रेग्रेंस है, काफ़ी लोगों का ये एक वन ऑफ द मोस्ट पसंदीदा फ्रेग्रेंस इसको बोल सकते हैं। परफ्यूम बहुत ही बढ़िया है, लास्टिंग मिलती है हमको, यूनिक किस्म का फ्रेग्रेंस है और बजट में भी हमको पड़ जाता है। तो गाइस बॉक्स की तरफ अगर आ जाए, यहाँ पे स्टैंडर्ड बियर्डो का लोगो है, गॉडफादर लिखा है, यूदे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है 100 ml है, डिस्क्रिप्शन डिटेल्स दिए गए हैं, इन्ग्रीडियंट MRP और शेल्फ लाइफ दी गई है। इस तरफ जो है सेम बियर्डो का लोगो है और दूसरी तरफ भी सेम डिज़ाइन पैटर्न जो सामने की तरफ है वो मिल जाता है हमको। बॉक्स के अंदर की तरफ अगर आ जाए तो एक कवर मिल जाता है हमको। बॉटल जो है एक यूनिक किस्म का बॉटल मुझे इसमें लगता है, जैसे कि ऐसे बोल सकते हैं कि कुछ ड्रिंक्स जैसे बॉटल्स होते हैं वैसे गॉडफादर का इन लोगों ने बॉटल दिया है। मगर एक यूनिक चीज़ है इसमें कि यहाँ पे बो टाई हमको देखने मिल जाता है और कोट का एक डिज़ाइन पैटर्न हमको पीछे की तरफ दिया गया है जो कि आगे से देखने मिल जाता है। यहाँ पे बियर्डो गॉडफादर यूदे परफ्यूम और 100 ml लिखा गया है। कैप स्नगली फिट होता है मगर लॉक नहीं होता है। गाइस यहाँ पे एक स्मूथ फिनिश देने की कोशिश की है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। एटोमाइज़र की तरफ आ जाए गाइस, तो एटोमाइज़र स्मूथली वर्क करता है, सुंदर एटोमाइज़र है और फ्रेग्रेंस की खुशबू हमको बढ़िया सी मिल जाती है। बियर्डो गॉडफादर के अगर हम नोट्स पे आ जाए तो इसके टॉप नोट्स में हमको मिल जाता है मिंट एंड लेमन, जो काफ़ी क्विकली मिडिल नोट में स्विच कर जाता है, जिसमें हमको जेरेनियम फ्लावर्स मिल जाते हैं और बेस नोट में बहुत ही ब्यूटीफुल हमको वेटिवर और मस्क की खुशबू मिलती है। इसमें जो जेरेनियम यूज़ किया गया है मिडिल नोट में, बेस नोट में वेटिवर का यूज़ किया गया है, इससे हमको बहुत ही बढ़िया एक लास्टिंग भी मिल जाती है हमको और एक हल्की फुल्की एक मिठास भी हमको इस फ्रेग्रेंस से मिल जाती है। तो गाइस इसके टाइम ऑफ वेयर पे अगर आ जाए तो ये बारिश के मौसम में इवनिंग के टाइम में काफ़ी अच्छा रहता है और अगर अच्छी खासी बारिश हो रही है तो मॉर्निंग के टाइम में भी एक अच्छा काम करेगा। एज ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो एज ग्रुप एज अ फैक्टर नहीं, बट कुछ मेच्योर लोग हैं उनको ये गॉडफादर फ्रेग्रेंस काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और गाइस प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो 599 rupees में आपको ये ऑनलाइन अमेजोन में मिल जाता है। 100 ml बियर्डो गॉडफादर 599 rupees में काफ़ी बढ़िया है। मैं कोशिश करूँगा आज के जितने भी फ्रेग्रेंसेज हैं इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप उधर से जाके फ्रेग्रेंसेज को चेकआउट कर सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से, बजट के हिसाब से और चॉइस के हिसाब से आप फ्रेग्रेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस नंबर 5 पे हमने रखा है बियर्डो की तरफ से गॉडफादर, बहुत ही बढ़िया फ्रेग्रेंस है, बजट में भी पड़ जाता है। नंबर 4 पे आ जाते हैं गाइस, नंबर 4 पे मैंने एक यूनिक फ्रेग्रेंस रखा है जो कि यार्डली की तरफ से है। यार्डली जेंटलमैन रॉयल जो है एक बहुत ही बेहतरीन फ्रेग्रेंस है गाइस। रॉयल जो है गाइस ये लोग ने थोड़े अलग किस्म का बनाया है। यार्डली के जो जनरल लाइन ऑफ फ्रेग्रेंसेस है जिसमें क्लासिक और ये सारे जो फ्रेग्रेंसेस आ जाते हैं वो थोड़े जेंटलमैन टाइप्स के फ्रेग्रेंस है। यार्डली लंदन जेंटलमैन रॉयल वाला जो है इसमें ये लोग ने क्लासिक से अलग काम किया है। रॉयल में ये लोग ने जो मिठास दी है, एक स्वीटनेस इस फ्रेग्रेंस में हमको मिलती है जो कि काफ़ी बढ़िया काम करता है बारिश के मौसम में। और इनके जो स्टैंडर्ड फ्रेग्रेंसेस है उससे हमको कुछ अलग देखने मिलता है रॉयल में। अगर आपको एक लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस चाहिए, एक वेटिवर जैसी एक मिठास चाहिए आपको, हल्की फुल्की सी हमको एक ऊद की फ्रेग्रेंस मिल जाती है, मगर मोस्टली हमको इसमें वुडीनेस मिल जाता है जो कि इस फ्रेग्रेंस को काफ़ी बढ़िया लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। तो आप ज़रूर यार्डली लंदन जेंटलमैन के रॉयल के साथ जा सकते हैं। बॉक्स की तरफ अगर हम आ जाए तो बॉक्स की पैकेजिंग कुछ इस तरफ से दिखती है। यार्डली लंदन दिखा गया है इधर, ऊपर इनका जो लोगो है वो लिखा गया है। जेंटलमैन रॉयल वाला वर्जन जो है इसकी बात कर रहे हैं हम,
डेली वेयर परफ्यूम, पीछे डिस्क्रिप्शन डिटेल्स, एमआरपी, शेल्फ लाइफ दी गई है। बॉक्स के अंदर अगर हम आ जाए तो एक प्रोटेक्शन लेयर दिया गया है। बॉटल की तरफ गाइज आ जाए तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं मुझे यार्डली के जो परफ्यूम्स है, एक सुंदर सी एलिगेंट सी बॉटल हम बोल सकते हैं इसको बनाया गया है। एक डिजाइन पैटर्न जो है बहुत ही ब्यूटीफुल इधर दिया गया है। ट्रांसपेरेंसी बॉटल है मगर नीचे हमको एक कलर एक अलग किस्म का दिखने मिल जाता है। यहाँ पे सेम कुछ लिखावट दी गई है, यार्डली का लोगो, लंदन जेंटलमैन और इधर रॉयल लिखा गया है, पीछे एमआरपी, शेल्फ लाइफ दी गई है। ऊपर जो है हमको इनका लोगो मिल जाता है, कैप स्टडी मिल जाता है हमको, इसके स्प्रे पे आ जाता है, ब्यूटीफुली स्प्रे वर्क करता है। शुरुआत से ही हमको इसमें एक मिठास की खुशबू मिल जाती है जो ओवरऑल फ्रेग्रेंस में लिंगर अराउंड करता है। स्वीट फ्रेग्रेंसेस अगर आप ट्राई कर रहे हैं, जानना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं और आप शौकीन हैं तो ज़रूर आपको यार्डली लंदन जेंटलमैन के रॉयल को ट्राई करना चाहिए। स्वीटनेस की वजह से हमको इसमें लास्टिंग भी बहुत बढ़िया मिल जाती है। गाइस यार्डली के अगर हम नोट्स में आ जाए तो इसके टॉप नोट में यूज़ किया गया है लाइम, मिडिल नोट में यूज़ किया गया है पेपर और नटमेग, बेस नोट में यूज़ किया गया है टोंकबीन, चॉकलेट, मस्क और वुड्स। इसके जो नोट्स है इसमें हमको ये देखने मिलता है कि टॉप से लेके बेस नोट तक फ्रेग्रेंस बहुत ही जल्दी शिफ्ट करता है। फ्रेग्रेंस में हमको टोंकबीन का बहुत ही सुंदर खुशबू मिलता है, चॉकलेट का भी वाइब मिलता है, वुडीनेस मिल जाता है, हल्का फुल्का पेपर का हमको स्पाइसीनेस मिल जाता है, मगर मेनली इसमें हमको टोंकबीन और चॉकलेट के एसेंस मिल जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा हार्श किस्म का चॉकलेट है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, माइल्ड मिल जाता है जो कि टोंकबीन के स्वीटनेस के साथ साथ मर्ज हो जाता है, इसीलिए हमको चॉकलेटी एक अलग से वाइब नहीं मिलेगा मगर स्वीटनेस मिलेगा और हमको नटमेग का भी एसेंस मिलेगा। तो गाइज इसके लास्टिंग पे अगर हम आ जाए तो इजीली हमको 4 से 5 घंटे की लास्टिंग मिल जाती है। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये आपके आसपास के दायरे में रहता है। उसके बाद जो है ये थोड़ा सा आपके क्लोज टू स्किन हो जाएगा और आपके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ये लिंगर अराउंड करेगा। एज ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से यंग से लेके मिडिल एज तक जो भी स्वीट किस्म के फ्रेग्रेंसेस पसंद करते हैं और जिन जो कि एक स्वीट में लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस को ढूंढ रहे हैं तो उनके लिए यार्डली लंदन जेंटलमैन रॉयल वाला जो वर्जन है, जो मेरे ख्याल से इसका नाम भी इसको सिग्निफाई करता है कि एक रॉयल वाली फीलिंग भी हमको इससे आती है, तो वो एक बहुत बढ़िया चीज़ है, तो वो ज़रूर इसके साथ जा सकते हैं। प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन की अगर मैं बात करूँ तो 650 रुपये में हमको 100 ml इसका ऑनलाइन मिल जाता है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो 650 रुपये में 100 ml की क्वांटिटी एक बढ़िया मान सकते हैं हम और प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन में भी अच्छा बैठता है। तो गाइस अब आ गए हैं हमारे टॉप 3 पे, तो 3rd नंबर पे मैंने रखा है ला फ्रेंच की तरफ से जो लग्जर ऊद है, इसको हमने 3rd नंबर पे रखा है। बहुत ही बेहतरीन फ्रेग्रेंस है ये। इसके पैकेजिंग पे अगर हम आ जाए तो एक बहुत ही बढ़िया इधर एक डिज़ाइन बनाई गई है, इधर ला फ्रेंच लिखा है, लग्जर ऊद लिखा गया है, 100 ml की क्वांटिटी है, पीछे कुछ डिटेल्स दिए गए हैं। बॉक्स के अंदर अगर हम आ जाए तो एक प्रोटेक्शन लेयर मिल जाता है और बॉटल जो है काफ़ी एक ब्यूटीफुल हमको मिल जाता है, कुछ इस तरह से इनका बॉटल दिखता है, हार्ड ग्लास दिया गया है और ऊपर एक गोल्डन कलर का कैप दिया गया है, स्नगली फिट हो जाता है, इधर लग्जर ऊद लिखा गया है। बॉटल में मैट फिनिश दी गई है मगर लाइट में देखने पर हमको लिक्विड की क्वांटिटी दिख जाती है। एटमाइजर पे आ जाए गाइस तो स्मूथली वर्क करता है, इसको स्प्रे करते साथ ही हमको एक स्ट्रॉन्ग ऊद जैसा स्मेल मिल जाता है हमको, जो कि ऑब्वियसली इसके लास्टिंग पे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, जिसकी वजह से इसको इतनी ज़्यादा लास्टिंग मिलती है। एक बढ़िया फ्रेग्रेंस है। अगर इसके नोट्स की बात करें गाइस तो इसमें टॉप नोट में यूज़ किया गया है ऊद, जो कि हमको स्प्रे करते साथ ही मिल जाता है। मिडिल नोट में यूज़ किया गया है रोज़ और बेस नोट में यूज़ किया गया है अगरवुड। गाइस जैसे कि मैंने पहले कहा है कि अगरवुड एक ऐसा कॉम्पोनेंट है जो कि जिससे कि ऊद बनता है, उसमें भी एक बहुत ही बेहतरीन हमको वुडीनेस मिल जाता है और उसका जो एक्सट्रैक्ट है वही बेसिकली ऊद है, इसकी वजह से बेहतरीन एक लॉन्जिविटी हमको मिल जाती है और परफ्यूम में स्मेल भी हमको काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। ऊद के साथ जो रोज़ का मिक्सचर है ये काफ़ी बेहतरीन एक खुशबू देता है हमको। तो गाइस इसके टाइम ऑफ वेयर की मैं बात करूँ तो इवनिंग टाइम के लिए बहुत ही बढ़िया फ्रेग्रेंस है।
मॉर्निंग टाइम में भी अच्छी खासी बारिश में अच्छा वर्क करेगा ये, मगर ठंडे मौसम के लिए, जब बारिश के बाद जो ठंडा मौसम होता है उसके लिए ये स्पेसिफिकली बना है, तो इसमें बढ़िया सा एक वर्क करेगा। अगर आप एक लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस देख रहे हैं तो ये बढ़िया चॉइस हो सकता है आपके लिए। एज ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो ये ऑफिस गोइंग लोग जो कि इवनिंग टाइम के लिए या फिर पार्टीज़ के लिए या फिर गैदरिंग्स के लिए एक बढ़िया फ्रेग्रेंस ढूंढ रहे हैं तो वो इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन में आ जाते हैं तो 450 रुपये में ये हमको ऑनलाइन मिल जाता है। मेरे ख्याल से प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन में अच्छा पड़ रहा है हमको एक लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस, हमको 100 ml की क्वांटिटी वाला 450 रुपये में बढ़िया प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन मिल रहा है हमको। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आ जाते हैं हमारे आखिरी दो फ्रेग्रेंस में। तो नंबर 2 पे मैंने एक बहुत ही बेहतरीन फ्रेग्रेंस रखा है अरमाफ की तरफ से, अरमाफ हंटर इंटेंस। तो गाइज अरमाफ हंटर इंटेंस जो है इसके बारे में उतनी ज़्यादा बात नहीं हो रही है, मगर बहुत ही बेहतरीन एक फ्रेग्रेंस है। समहाउ एक सेंशुअल किस्म का फ्रेग्रेंस होने के साथ साथ ये एक बढ़िया लास्टिंग भी हमको दे देता है, और गाइज ऑनलाइन चेक करने पर बढ़िया रेट में भी हमको मिल जा रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि जिस सेलर से मैंने मंगाया है उनका ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, तो आप भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। बॉक्स की तरफ अगर हम आ जाए तो इधर एक वेलवेटी फिनिश दी गई है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। हंटर इंटेंस लिखा गया है, साइड में भी अगर आप देखें तो हंटर लिखा गया है। अरमाफ का स्टैंडर्ड लोगो और स्टर्लिंग इधर जो अरमाफ के हर एक फ्रेग्रेंस में लिखा रहता है, पीछे बैच कोड लिखा गया है जिससे कि आप फ्रेग्रेंस को चेक कर सकते हैं। ऊपर जो है अरमाफ लिखा गया है। बॉक्स के अंदर अगर हम आ जाए तो इधर आपको अरमाफ का लोगो मिल जाएगा, एक प्रोटेक्शन लेयर मिल जाएगा, और इसका बॉटल जो कि काफ़ी इसका यूनिक डिज़ाइन है, इधर एक लेदरी फिनिश आपको मिल जाती है जिसमें कि एक बेल्ट जैसा पैटर्न दिया गया है, और इस तरफ भी हमको बेल्ट मिल जाता है। मैट फिनिश का इधर एक हमको बेस मिल जाता है। कैप जो है वो एक स्पेसिफिक जगह पे ही जाके लॉक होता है, तो वो एक अच्छी चीज़ लगी मुझे। मुझे कैप का कलर और डिज़ाइन पैटर्न काफ़ी सुंदर लगा है, स्टर्डी लुक देता है, एक स्ट्रॉन्ग बॉटल बोलते हैं इसको। एटमाइजर पे अगर हम आ जाए तो काफ़ी स्मूथली वर्क करता है। इस अरमाफ हंटर इंटेंस के नोट में बहुत ही सुंदर नोट्स यूज़ किए गए हैं, जैसे कि लैवेंडर, कार्डमम, सिनेमन का भी यूज़ किया गया है, वेटिवर की हमको बहुत बढ़िया खुशबू आती है, रोज़ का भी इसमें यूज़ किया गया है। ओपनिंग में हमको बर्गमॉन्ट और पचुली मिल जाते हैं, ड्राई डाउन में हमको वुडीनेस भी मिल जाता है। ये फ्रेग्रेंस जो है एक बहुत ही बढ़िया लास्टिंग देता है हमको, एक सेंशुअल एरोमेटिक फ्रेग्रेंस इसको बोल सकते हैं हम। बारिश के सीज़न के लिए इसके स्पाइसेस की वजह से, इसमें जो अलग अलग किस्म के जो स्पाइसेस यूज़ किए गए हैं, पेपर यूज़ किया गया है, कार्डमम यूज़ किया गया है, सीडर यूज़ किया गया है, इनकी वजह से ये बारिश के लिए एक बहुत ही आइडियल फ्रेग्रेंस हो जाता है। लास्टिंग भी हमको इससे बहुत ही बढ़िया मिल जाती है, प्रोजेक्शन भी काफ़ी बढ़िया देता है हमको, इनिशियल 1-1.5 घंटा तो काफ़ी दूर तक प्रोजेक्ट करता है गाइस। एज ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो अरमाफ हंटर इंटेंस सभी एज ग्रुप वालों के पास एक हो सकता है, लॉन्ग लास्टिंग है, सेंशुअल एरोमेटिक फ्रेग्रेंस है, तो सभी एज ग्रुप वाले मेरे ख्याल से इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे। प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन में गाइस आ जाए तो ऑनलाइन चेक करने पर हमको 1100 रुपये के आसपास अरमाफ की तरफ से हंटर इंटेंस मिल जाता है, जो कि इतने बढ़िया ब्रांड की तरफ से अगर हम 100 ml की बात करें तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन में। अगर आपका बजट 1000 से 1100 के आसपास है तो मुझे ऐसा लगता है कि अरमाफ के हंटर इंटेंस के साथ आप ज़रूर जा सकते हैं। आ जाते हैं गाइज हमारे नंबर 1 फ्रेग्रेंस पे। तो ये जो फ्रेग्रेंस है गाइज मैंने रिसेंटली ट्राई किया था और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया ये फ्रेग्रेंस। काफ़ी यूनिक किस्म का फ्रेग्रेंस है जो हमारे स्टैंडर्ड फ्रेग्रेंसेस होते हैं उनसे अलग मिल जाता है हमको, और अलग होने के बावजूद, एक सेंशुअल एरोमेटिक फ्रेग्रेंस होने के बावजूद, इसमें हमको बहुत ही बढ़िया लास्टिंग हमको इजीली मिल जाती है। इस मैं बात कर रहा हूँ उस्त्रा की तरफ से, उस्त्रा मॉल्ट की। बहुत ही एक बेहतरीन फ्रेग्रेंस मिल जाता है हमको इसमें, काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आने वाला मास अपीलिंग फ्रेग्रेंस इसको हम बोल सकते हैं। तो गाइस उस्त्रा मॉल्ट के अगर हम नोट्स पे आ जाए तो इसके टॉप नोट्स में यूज़ किया गया है वेटिवर एंड मस्क, इसके मिडिल नोट में हमको मिल जाता है बैल्सम, कॉफ़ी एंड नरोली, और इसके बेस नोट में हमको मिल जाता है पचुली, टोंका एंड टबैको।
बॉटल की डिज़ाइन मुझे काफ़ी सुंदर लगी है, कलर पैटर्न भी काफ़ी सुंदर है। अगर इसके स्मेल की बात करें गाइस, तो इसमें हल्की फुल्की हमको टबैको की खुशबू मिलती है, जिसको बहुत ही सुंदर तरीके से वेटिवर के साथ ब्लेंड किया गया है। नरोली की हमको खुशबू मिल जाती है, माइल्ड पचुली भी हमको मिल जाता है। एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जो कि पार्टीज़ के लिए, इवनिंग टाइम्स के लिए, ठंडे मौसम में काफ़ी बढ़िया वर्क करेगा। इनफैक्ट अगर अभी आप एक ले लेंगे तो बारिश के साथ साथ ठंडी के मौसम में भी आप इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं। गाइस, एज ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कि जिनको ओकेशंस के लिए और पार्टीज़ के लिए, वेडिंग्स के लिए एक बढ़िया फ्रेग्रेंस चाहिए अभी के मौसम में, उनके लिए उस्त्रा माल्ट एक बहुत ही बढ़िया चॉइस हो सकता है। यंग लोग से लेके मिडिल एज तक काफ़ी बढ़िया तरीके से इसको, फ्रेग्रेंस को कैरी कर सकते हैं। इसमें जो एक मैच्योर फीलिंग है, एक मैस्कुलिन वाइब है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग इसको बढ़िया तरीके से कैरी कर पाएंगे। प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन में आ जाते हैं तो ये अराउंड 1049 रुपीज़ में हमको ऑनलाइन चेक करने पर मिल जाता है, जो कि प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन में काफ़ी बढ़िया बैठता है। यूनिक किस्म का फ्रेग्रेंस है, इसीलिए काफ़ी बढ़िया बैठता है और इसकी स्मेल बहुत लोगों को पसंद आती है। तो 1000 रुपीज़ के आसपास हमको 100 ml की उस्त्रा माल्ट मिल जाती है, अच्छा बैठता है ये प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन में। गो टू फ्रेग्रेंस इसको बना सकते हैं आप, रेगुलर यूज़ के लिए भी आप इसको रख सकते हैं। तो गाइज, उस्त्रा माल्ट को आप अपना एक सिग्नेचर स्मेल भी बना सकते हैं, ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस है, मेरी तरफ से हाई रिकमेंडेशन रहेगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, नंबर 1 पे है उस्त्रा माल्ट, नंबर 2 पे मैंने रखा है अरमाफ की तरफ से हंटर इंटेंस, बहुत ही बेहतरीन फ्रेग्रेंस है ये। नंबर 3 पे हमने रखा है ला फ्रेंच की तरफ से लग्जर ऊद को, नंबर 4 पे हमने रखा है यार्डली लंदन जेंटलमैन रॉयल को, बेहतरीन फ्रेग्रेंस है, एक यूनिक किस्म का फ्रेग्रेंस है। स्वीट फ्रेग्रेंसेस जिनको पसंद है वो ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हैं। और नंबर 5 पे मैंने रखा है बियरो की तरफ से गॉडफादर को। तो गाइस, इन सब में से किसी भी एक फ्रेग्रेंस को आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से, चॉइस ऑफ स्मेल के हिसाब से, आप ज़रूर किसी एक को ट्राई कर सकते हैं। इन सब के ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और गाइस, यही था आज का वीडियो। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और इन सब फ्रेग्रेंसेस में से आप एक डिटेल रिव्यू किसके बारे में देखना चाहते हैं ये ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, तो मैं कोशिश करूँगा उसके बारे में जल्द ही एक डिटेल रिव्यू लेके आ जाऊँ। और गाइस, अगर आपको फ्रेग्रेंसेस के बारे में ऐसे ही नए नए वीडियोज़, इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोज़ देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।